नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मनी गुरु में आज हम आपको समझा रहे हैं बॉन्ड यील्ड के बारे में। अक्सर आपने सुना ही होगा कि बॉन्ड यील्ड घट गई या फिर बढ़ गई, लेकिन ये बॉन्ड यील्ड एग्जैक्टली होती क्या है, इसका बढ़ना और घटना होता क्या है, ये क्या मायने रखता है, किस प्रकार से ये आम निवेशक पर असर डालता है, बॉन्ड यील्ड से जुड़े हर सवाल का बड़ी ही आसान भाषा में जवाब आज आपको मिलने वाला है हमारी इस खास पेशकश में। और आपकी सभी उलझने दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड ट्रेनर और नर्चर इंडिया के डायरेक्टर प्रकाश रंजन सिन्हा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। और चलिए प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। प्रकाश जी, सबसे पहले तो हमें, हमारे दर्शकों को जरा समझा दीजिए कि ये बॉन्ड यील्ड होती क्या है। देखिए, जब भी आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है ट्रेडेबल बॉन्ड और एक होता है फिक्स इनकम, जैसे नॉर्मली एफडी होता है। तो एफडी में तो यील्ड की कोई बात आपको नहीं आती है, वहां पे आपको जो कूपन इनकम मिलता है वही होता है। बट जो ट्रेडेबल बॉन्ड्स होते हैं वो एक प्राइस पे इशू होता है, जनरली लेट्स से 100 रुपए या 1000 रुपए पे इशू हुआ है, और आप उसके बाद आपको कूपन मिलेगा। कूपन भी फिक्स होता है, 7% 8% पर एनम मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, वो भी डिसाइडेड रहता है। 3 साल के लिए बॉन्ड है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो भी डिसाइडेड है। और फाइनली आपको जब मैच्योरिटी होती है तो आपको आपको पैसा मिल जाता है। ये तो हो गई बात। अब जब हम यील्ड की बात करते हैं तो आपको अलग अलग तरह की यील्ड है। तो पहला यील्ड जो हम जो बोलते हैं वो है नॉमिनल यील्ड, विच इज नथिंग बट अ कूपन। दूसरा जो है वो करंट यील्ड है। अब आप मान लीजिए 100 रुपए का स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप 95 रुपया में खरीदते हैं या 107 रुपया में खरीदते हैं, तो अब आपका यील्ड वही नहीं होगा जो पहले वाला था, क्योंकि अब आपने एक कूपन तो आपको वही मिलेगा, लेकिन मार्केट प्राइस आपकी अलग होगी जिसपे आपने खरीदा है। यानी कूपन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ये आपकी करंट यील्ड हो गई। उसी तरह से और बहुत तरह की यील्ड है, पर जिस यील्ड की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं या जो हम यील्ड सामान्यतः जो बोलते हैं वो होती है यील्ड टू मैच्योरिटी। अब यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है? मैंने किसी प्राइस पे खरीदा और एक टर्म टू मैच्योरिटी है, यानी उस मैच्योरिटी के पहले तक मुझे सारे बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो है आपको कूपन इनकम मिलेगा। तो ये प्रेज्यूम किया जाता है कि आज अगर मैं किसी भी प्राइस में खरीदता हूं और मुझे सारे कूपन इनकम मिलते हैं और मैं मैच्योरिटी तक जब उसको होल्ड करता हूं तो मेरा रिटर्न क्या बनेगा, और वो इसी को हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। सो यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो सामान्यतः सबसे ज्यादा यूज होता है, और जब भी हम आम भाषा में जब यील्ड बोलते हैं तो हम यील्ड टू मैच्योरिटी को ही रिफर करते हैं। अच्छा प्रकाश जी, आपने ना बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बॉन्ड यील्ड क्या है, और बहुत सारे यहाँ पर कुछ नए शब्द भी हैं जो हमारे सामने रखे, मिसाल के तौर पर कूपन यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी। एक एक करके मैं उन सवालों के भी जवाब लूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि ये बॉन्ड यील्ड जो है ये फंक्शन कैसे करता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं या कमोडिटी मार्केट में उथल पुथल की बात करते हैं तो अक्सर बॉन्ड यील्ड का जिक्र होता है, बताया जाता है बॉन्ड यील्ड बढ़ गई या बॉन्ड यील्ड घट गई। तो मुझे जरा बताइए ये फंक्शन कैसे करता है, इसके ड्राइवर्स क्या होते हैं? देखिए, इसके सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी निवेश आप करते हैं, किसी भी एसेट में करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में करते हैं, तो हम एक रिटर्न देखते हैं। और हर जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है या एसेट्स है उसके साथ कोई ना कोई रिस्क जुड़ी होती है। सामान्यतः लोगों को लगता है कि नहीं यार, डेट और बॉन्ड्स के साथ रिस्क नहीं है, बट ऐसे बात नहीं। देखिए, एक जो सबसे बड़ा रिस्क होती है बॉन्ड के साथ वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि हम जिस इकोनॉमी में है, आज से एक साल पहले जो ब्याज दर है वो आज नहीं होगा, आज से एक साल पहले जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो नहीं है। तो क्या है, 4 मेजर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड यील्ड को। पहला है आपका ग्रोथ रेट, यानी जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ऑफकोर्स जीडीपी रेट सारे लोग जानते हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके अंदर आपका आ गया आईआईपी नंबर्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिसेस, वो सारे आपके आ गए। दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो इन्फ्लेशन का, जिसको हम लोग सारे इन्फ्लेशन को महंगाई के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। थर्ड जो इंडिकेटर्स है वो आपका फिस्कल पोजिशन है। फिजिकल पोजिशन मतलब रेवेन्यू डेफिसिट कितनी है, बजट डेफिसिट कितनी है, फिजिकल डेफिसिट कितनी है, टैक्सेशन कितने हुए हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज क्या है, ये सारे हो गए। और जो चौथा है वो है एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, यानी हम जो एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी दूसरे देशों से भी जुड़ी हुई है, आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड जब कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, पैसा आप डॉलर में दे रहे हैं, रुपया आपके यहाँ अंदर आ रहा है, तो करंट अकाउंट आपके पास है, रेवेन्यू अकाउंट है, तो उसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट, रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट है, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग है, बाहर से आपने पैसा लिया है,
तो ये चार फैक्टर्स हैं जो आपको पूरे जो आपको यील्ड्स को इफेक्ट करते हैं। आमद मैंने देखा है साधारणतः लोग को लगता है कि नहीं आरबीआई की पॉलिसी ही आपको इस चीज को गवर्न करती है, नहीं है, बट ये थोड़ा सा डीपर है। आपको इसमें से कोई भी फैक्टर आपको इफेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से क्या होता है आपका, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए आपकी फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाती है, एग्जांपल जैसे कि इंटरनेशनली क्रूड प्राइस बढ़ गया, अब क्रूड प्राइस बढ़ गया आपको तो आपने ऑयल तो खरीदना ही है लेकिन आप ऑयल डॉलर में खरीदते हैं, अगर इसी के साथ साथ अगर आपका रुपया भी कमजोर हो जाए, यानी कल तक $1.74 था आज $1.75 हो गया, और अगर मान लीजिए मुझे 100,000 बैरल खरीदना है तो यानी मेरे देश से रुपया ज्यादा जा रहा है, यानी मेरी फॉरेक्स रिजर्व कम हो रही है, डॉलर्स जो मैंने रखे थे वो कम होगी आपकी। अब ये जो है आपको एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है, यानी आपकी जो एक्सटर्नल शॉक्स है ये भी आपको होगा। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो वो आपके पास बैंक अकाउंट में अगर पैसा ज्यादा है तो नेचुरली आप ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये आपको यील्ड को भी असर करती है, यानी आपकी यील्ड आपकी वीक होने हो सकती है, यानी आपको फिर आपको रिस्क परसेप्शन बढ़ जाता है उनका कि नहीं यार इस कंट्री में तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो गई। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट अल्टीमेटली जो मार्केट जो है ये सारे फैक्टर्स को व्यू करके इस चीज को डिसाइड करता है कि यील्ड आपको किस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अच्छा मिस्टर सिन्हा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कौन से फंडामेंटल्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर असर डालते हैं। एक आम निवेशक है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को समझना जरूरी है जो जिसके बदलाव से ये बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव उस पर असर डालेगा? देखिए ये सारे जो मैंने आपको बोले ये तो आम इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है हर दिन देखना, अगर वो देखे इसीलिए मैंने पूछा वो कौन से बुलेट फैक्टर्स हैं। बिल्कुल, देखिए जो आम इन्वेस्टर जो होता है उसको बहुत एक साधारण ढंग से तो सोचना है, आरबीआई आपका जो मेन है, जो आरबीआई का काम है यही देखना, और आरबीआई का दो बड़ा मुख्य काम है, एक उनको ग्रोथ देखना है कि कंट्री में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और दूसरा आरबीआई का काम यह भी है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में हो। तो आरबीआई के पास जो टारगेट है वो है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है कम भी नहीं होनी चाहिए बहुत, और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और जो रेंज है वो लगभग 2-6% का है, 6% थोड़ा सा अपर लिमिट आ गए, 2% लोअर लिमिट पे आ गए, तो वो 2-6% के बीच में रखते हैं। अब मैं किसी वक्त पे अगर मैं देखूंगा कि आज क्या स्थिति है, तो एक तो मुझे इन्फ्लेशन देखना है कि आज के डेट पे इन्फ्लेशन क्या है, और दूसरा मैं देखूंगा यील्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन और यील्ड के बीच में बहुत का ज्यादा अंतर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जैसे मान लीजिए अगर 6.5% इन्फ्लेशन है और आपकी यील्ड भी ज्यादा आपके कम है, मतलब 6 के ही आसपास है, तो अब इस हालत में क्या होगा आपका? आरबीआई तो ग्रोथ चाहेगा ही, बट अगर महंगाई बढ़ती चली गई तो फिर आरबीआई को यील्ड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के जो पॉलिसी मेजर्स हैं जैसे कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, वो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो आरबीआई का जो मेन उद्देश्य होता है कि लिक्विडिटी जो आपका सिस्टम में, यानी पैसे कितने होने चाहिए, अगर ज्यादा पैसा है तो आपको इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा पैसा है तो वो ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेगा, तो समवेयर ये सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी जो है उसके बीच में उसको बैलेंस करना है। तो आम इन्वेस्टर को जो देखना है वो ये देखना है, बहुत सिंपल सी बात है कि आज मेरी इन्फ्लेशन की लेवल क्या है, यील्ड क्या है, और अगर ये इंडिकेटर उसको दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है मान लीजिए, और आप अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी में हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके जितने भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उसके प्राइसेस कम हो जाए, यानी क्या होगा कि मार्क टू मार्केट लॉस हो, यानी मार्क टू मार्केट लॉस मतलब होता है यानी अगले कुछ समय में शायद आपको नुकसान हो, तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब उस हालत में वो क्या कर सकता है, या तो वो ब्लॉक कर ले अपनी यील्ड को, मतलब नुकसान नहीं हो तो मैं उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करूं जहां पे मेरा यील्ड, जैसे मैं बोलूंगा फिक्स मैच्योरिटी प्लान है या इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड है, या तो उस वजह से आपने उसको ब्लॉक कर लिया। अगर मान लीजिए अगर आपका इन्फ्लेशन और यील्ड के बीच में बहुत बड़ा गैप है तो आपको पॉसिबिलिटी है। तो आम इन्वेस्टर को बहुत जरूरी है सर कि आपको आरबीआई पॉलिसी पे थोड़ी नजर जरूर रखें, क्योंकि आरबीआई की हर 2 महीने पे एक पॉलिसी मीट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें बेसिकली वो एक तरह से आपको आने वाले समय में क्या कर सकते हैं उसका एक आपको अंदेशा देते हैं या आपको एक निर्देश देते हैं, तो उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर शॉर्ट टर्म में ये ध्यान रखिएगा, अगर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है यानी यील्ड कम हो सकता है, तो फिर उसमें क्या होगा, मार्केट प्राइसेस बॉन्ड प्राइसेस के बढ़ेंगे, यानी शॉर्ट टर्म में मेरे को फायदा होगा। अगर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या यील्ड बढ़ सकता है,
तो वहां पे शॉर्ट टर्म में नुकसान होने का संभावना है। मतलब इंटरेस्ट रेट राइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइसेस, ये मेरा इन्फरेंस सही है? ओके ओके बिल्कुल। चलिए सर ये तो आप हाँ समझ गए, चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और ये कुछ बड़े आसान फैक्टर्स हैं जो अब हर निवेशक के पास अवेलेबल हैं, जिनको देख के वो बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं कि अब उनका जो बॉन्ड यील्ड है या बॉन्ड में पैसा है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, अच्छा सर अब मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे जो व्यूअर्स हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, SIP करते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए सब आप SIP जब आपने बोला तो पहले तो आप फंड किस फंड में है, इक्विटी में है या डेट में? तो ये नेचुरली क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट होता है तो ये बॉन्ड फंड्स को इफेक्ट ज्यादा करता है, इक्विटी को कम करता है। अब मान लीजिए इसमें रिस्क दो तरह के हो, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, और फंड के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म में आपको गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो पहली चीज है जो इन्वेस्टर को सोचना ये है कि मुझे ये पैसा चाहिए कब, अगर ये पैसा मुझे अगले 3 महीने में चाहिए या मुझे 3 साल बाद चाहिए, और अगले 3 महीने में चाहिए और अगर ऐसा ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और अगर उसमें मैंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड में पैसा लगा दिया तो फिर मुझे नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो उस हालत में मुझे क्या करना है, मेरा पैसा चूंकि मुझे 3 महीने में चाहिए तो मुझे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना है, ऐसे फंड में डालना है जहां पे इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट कम से कम, यानी मार्क टू मार्केट लॉस का कम होगा। तो यानी मैं बहुत ही लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में पैसा में इन्वेस्ट करूंगा। शॉर्ट टर्म सर माफ करिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप एक अवधि बता सकें, जैसे आप कह रहे हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट या मध्यम अवधि, इनकी अमूमन फिर ड्यूरेशन या टेन्योर क्या होती है? चलिए मैंने बहुत आपने अच्छा सवाल किया। अभी देखिए सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आसान कर रखा है, जो आप डेट फंड्स देखेंगे तो उनके अंदर उन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखा है और वो कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन मैक्युलस ड्यूरेशन। तो थोड़ा सा मैं मैक्युलस ड्यूरेशन का थोड़ा कंसेप्ट समझा दूं बहुत लोगों को। मैक्युलस ड्यूरेशन आप बस बहुत सिंपल ढंग से समझिए कि आपने किसी फंड में पैसा डाला और फंड मैनेजर ने अलग अलग डेट सिक्योरिटीज में पैसा डाला। अब जिस भी डेट सिक्योरिटीज में उसने पैसा डाला तो उसको एक इंटरेस्ट इनकम यानी कूपन इनकम तो मिलेगा ही, एंड देयर इज ऑल्सो टर्म टू मैच्योरिटी, यानी उसका पैसा जब तक उस बॉन्ड में इन्वेस्टेड होगा तो आपको कैश फ्लो आ रहे हैं कुछ रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, ना कुछ कूपन इनकम, और फाइनली आपको क्या आ रहा है, आपको प्रिंसिपल आपको आ रहा है, यानी आपकी एक कैश फ्लो आ रही है। तो मैक्युलस ड्यूरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, उसकी मैक्युलस ड्यूरेशन है 3 to 6 months। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि फंड मैनेजर ने उस पैसे को इस ढंग से इन्वेस्ट करना है कि जो कैश फ्लोज है वो अगले 3 से 6 महीने में डिस्काउंटेड बेसिस पे आते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब डिस्काउंटेड बेसिस में क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो पैसा मान लीजिए मुझे अगले 1 महीने में आना है और एक पैसा 1 साल बाद आना है, तो आज मैं उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 1 साल वाला जो पैसा होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि वो 1 साल बाद आने वाला है। तो आप उस हिसाब से आप उसको डिस्काउंट करते हैं, और जो आप उसको डिस्काउंट भी करते हैं तो वो उसको करंट जो YTM है उस पर करते हैं, तो वो उस ढंग से उसको करते हैं। अब ये बहुत क्लियर है कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 3 to 6 months, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म फंड, ये सब के ड्यूरेशन आइडेंटिफाइड है। अब मान लीजिए मुझे अगर 3 से 6 महीने में पैसा चाहिए तो मैं उस मैक्युलस ड्यूरेशन वाले फंड को मैच करूंगा। अगर मुझे 6 से 12 महीने के अंदर पैसा चाहिए तो मैं उस ड्यूरेशन को फंड को मैच करूंगा, तो वो बेहतर होगा क्योंकि आपने अपने रिस्क तो मैनेज कर ही लिया, बट फंड मैनेजर भी उसी ढंग से पैसा इन्वेस्ट करेगा और वो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क को उसी ढंग से मैनेज करेगा। प्रकाश सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मुझे जरा ये भी बता दीजिए, जब हम अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड्स की बात करते हैं, लो या शॉर्ट बॉन्ड्स की बात करते हैं, या फिर हम लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स की बात करते हैं, किस प्रकार के निवेशकों के लिए कौन सा टेन्योर सूटेड है? और ये भी देखा गया है कि जनरली ये जो लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं इनका कूपन रेट काफी हाई होता है, तो ये दोनों जरा गुत्थियां सुलझा दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। पहला तो ये कि किसके लिए कौन सा टेन्योर सूटेड है, और ये जो हायर लॉन्गर जो मैच्योरिटी बॉन्ड्स हैं उनका कूपन इतना हाई क्यों होता है? चलिए पहले मैं आपका दूसरे सवाल का पहले जवाब, अच्छा और उसको देखिए बेसिकली बॉन्ड क्या है, डेट क्या है, मैं किसी से पैसा ले रहा हूं,
बहुत सिंपल सी बात है जी। और एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं किसी को 2 दिन के लिए पैसा देता हूं, किसी को 20 दिन के लिए पैसा देता हूं, किसी को 2 महीने के लिए पैसा देता हूं, किसी को 2 साल के लिए देता हूं और किसी को 20 साल के लिए। क्रेडिट वर्थिनेस सभी की बराबर है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे है? 20 साल। क्यों सबसे ज्यादा 20 साल में रिस्क है? क्योंकि 20 साल में ना जाने कितने इंटरेस्ट रेट साइकिल आएंगे, 20 साल में कितने इकोनॉमिक रिस्क आएंगे, 20 साल में कितने एक्सपेंशन और रिसेशनरी ट्रेंड आ सकते हैं, 20 साल में आपको कितने आपके फैक्टर्स चेंज होंगे, या बात समझिए, बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म जो होता है उसके रिस्क हमेशा कम होती है, लॉन्ग टर्म के रिस्क ज्यादा। अब निश्चित तौर पर मैं अगर किसी को 20 साल के लिए पैसा दे रहा हूं और रिस्क मेरी है क्योंकि पैसा मेरा है, तो नेचुरली आई नीड टू बी कंपनसेटेड विद अ हायर रिटर्न। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। तो अगर रिस्क ज्यादा है तो मुझे ज्यादा रिटर्न भी चाहिए, तो नेचुरली आपको लॉन्गर मैच्योरिटी के जो पेपर्स होते हैं वो आपको ज्यादा आपको यील्ड या आपको कूपन रेट उसका ज्यादा होता है। अच्छा, आपका अब अगला सवाल था कि ये क्यों फर्क होता है। हर बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड फंड के अंदर, जहां भी मैंने किसी भी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो बेस्ड ऑन मैक्रोस ड्यूरेशन मैंने डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर जितने भी शॉर्टर अवधि की जो बॉन्ड फंड है उसकी मैच्योरिटी कम होगी, तो यानी कूपन भी कम होगा और आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी मार्क टू मार्केट रिस्क भी कम होगा। ठीक है। उसी तरह से लॉन्गर वाले में आपको कूपन ज्यादा मिलेगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, बट मार्क टू मार्केट रिस्क भी ज्यादा है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इसी वजह से क्या होता है कि लॉन्गर बॉन्ड फंड्स आपको ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं इंटरेस्ट रेट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यानी आपको गेन भी ज्यादा हो सकता है, लॉसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत समझने की बात है, थोड़ा सा नेहा जी मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा। जी जी जी। मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर मान लीजिए 5 साल के फंड में, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, मुझे पैसा 5 साल के बाद चाहिए, आज नहीं चाहिए। और 5 साल के बाद चाहिए तो मुझे अगर अगले 3 से 6 महीने के बीच में, जैसे हम इक्विटी में बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको नोशनल लॉस भी होता है तो आपको वरी नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपको लॉन्ग टर्म में जब आपको पैसा जब आएगा तब तक आपका रिटर्न अच्छा आएगा, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की आपकी जो अवधि है उसके साथ आप उसको मैच करें। परफेक्ट। अच्छा सर, ये भी जरा बता दीजिए कि जैसे हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स, प्रिडिक्टिव टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं और ये पता लगाते हैं कि अच्छा पीछे हिस्ट्री में परफॉर्मेंस ऐसा रहा ये कंडीशन में और आगे प्रदर्शन ऐसा रहेगा। क्या बॉन्ड्स में जब हम पैसा लगाते हैं तो इसको भी मापने का या इसके परफॉर्मेंस के बारे में कुछ आइडिया लेने का निवेशक के पास कोई टूल ऐसा होता है? इफ यस, क्या कहते हैं उसे, कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। जैसे आज मैं अगर देखूं कि हिस्टोरिकली क्या रहा, लेट्स से मैं अगर 80s में देखूं, 90s में देखूं, 2000 में देखूं, 2010 में देखूं, अगर मैं पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जाऊं, तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, उस समय के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते थे, सॉरी डबल डिजिट होते थे। अब बहुत छोटे सोचने वाली बात है, डबल डिजिट क्यों होते? डबल डिजिट इसलिए होते थे कि उस वक्त आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी इतनी। अब आपको भारत सरकार को अगर देश चलाना है तो उनको कहां से पैसा चाहिए? या तो वो मार्केट से बोरो करेंगे, विच इज अगेन जीसेक, जिसकी हम यील्ड की बात कर रहे हैं, या तो फिर रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन। दो चीजें हुई है, एक तो आपका टैक्सेशन बढ़ा है पिछले काफी सालों में, अगर आप देखिए 10-10 साल का ट्रेंड ले लिए, यानी आपकी टैक्सेशन बढ़ी है। अभी बहुत, अगर मैं कोई भी बोरोअर है वो हमेशा चाहेगा कि मैं कम से कम ब्याज दूं। जैसे मैं भी अगर होम लोन लेने जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कम से कम जहां ब्याज मुझे देना पड़े मैं वो लूंगा। रिटेल कस्टमर्स के लिए बैंक लगातार नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, होम लोन से लेकर शॉपिंग के लिए नए नए ऑफर्स पेश किए जा रहे हैं, और फेस्टिव ऑफर्स को लेकर इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO पार्थ प्रथिम सेन गुप्ता के साथ खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। फेस्टिव सीजन की इस खास सीरीज में आज हमारे साथ है IOB के MD एंड CEO पार्थ प्रथिम सेन गुप्ता सर। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर, लंबे वक्त तक बंदिशें थी आपको लोन बांटने में, अब सारी बंदिशें हट गई है, तो किस तरह की एक्साइटमेंट है और किस तरह से आप लोन के ऑफर दे रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में? नहीं, रिटेल लोन में हमारे उतनी बंदिश नहीं थी, वी वर डूइंग द रिटेल लोन्स,
और पीसीए से हटने के बाद तो लोगों में अलग मोटिवेशन आ गया सारे ब्रांचेस में और भी आगे बढ़ने की और भी तरक्की करने की, जो एक मोटिवेशन होता है वो तो डेफिनेटली आ गया क्योंकि 6 साल हम लोग पीसीए में रहे और अभी वहाँ से निकल आए। तो ये फेस्टिव सीजन के लिए हमने रिटेल में स्पेशली हाउसिंग और व्हीकल्स ये दो सेगमेंट में हमने काफ़ी जोर दिए है और ये दो सेगमेंट्स में जब हम देखेंगे तो हमारे जो हाउसिंग लोन है उसमें से जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट है अभी हमने कंसेशन डिस्क्रिशन हर एक कमेटी को दे चुके हैं स्पेशली जीएम लेवल कमेटी पर, जिसकी जो भी अगर अच्छे प्रपोजल हो जिसका सिविल स्कोर अच्छे हो या जिसका सैलरी हो कैश फ्लो हम लोग हमारे पास हो, तो ये सब प्रपोजल का स्ट्रेंथ देखते हुए पूरा 6.85% तक हम लोग कंसेशन दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रपोजल्स। और इसके अलावा आमतौर पर कोई भी अगर महिला अगर होंगे वुमेन इफ देर इज एन वुमेन बोरोअर अगर महिला ऋण प्रार्थी अगर होंगे तो उनको 0.15 मतलब 15 बेसिस पॉइंट का कंसेशन ऑटोमेटिक मिले। तो ये पहली चीज है। दूसरा है कि हमने जो इंटरेस्ट रेट जो हमने जो नॉर्मल प्रपोजल्स जो करते हैं इसको हम लोग किसी तरह से भी कोई भी सिविल स्कोर या इससे नहीं जुड़े हैं, तो इसलिए लोगों का जिसका किसी कारणवश अगर सिविल स्कोर थोड़ा लो भी हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा, लेकिन उसका खाली यही देखना होगा कि कहीं पर कोई बैंक में वो डिफॉल्ट ना करे। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो प्रोसेसिंग चार्ज है ये हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन ये दोनों में कम्प्लीटली वेव कर दिया गया 31 दिसंबर तक, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। और चौथा जो है अगर सिविल स्कोर किसी का 700 के ऊपर रहेगा तो उनको हमने आईओबी का जो क्रेडिट कार्ड है उसको भी हम लोग विदाउट एनी चार्ज कम्प्लीटली फ्री हम वो क्रेडिट कार्ड उसको देंगे। तो ये 3-4 हम लोग ऑलरेडी वी हैव टेकन द स्टेप्स, ये स्टेप्स जो हम लोग लिए हैं तो हमारा पूरी उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन पर हमारे रिटेल लोन स्पेशली हाउसिंग और गाड़ी वाहन ये दोनों क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आपने जिस तरह से बताया कि एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है पीसीए से बाहर आने के बाद और ब्रांचेज में, और आप पहले बैंक के जहां पर जो सिविल स्कोर है वो क्राइटेरिया नहीं है, मतलब क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीजन में हमने बाकी बैंकों से बात करी तो वहां पर है कि अगर आपका सिविल स्कोर बेहतर है तभी आपको लोवेस्ट रेट पे मिलेगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिविल स्कोर ये क्राइटेरिया नहीं है, तो किस क्राइटेरिया पे जो लोवेस्ट लोन जो है ग्राहकों को मिले? हमारे क्राइटेरिया अगर किसी कारणवश अगर सिविल में अगर स्कोर अच्छे नहीं भी है उसका कई सारे हो सकते हैं पॉजिटिव, तो हमारे जो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रपोजल को देखा जाएगा कि जैसे कि एक क्वांटम ऑफ द लोन किस तरह से है, नंबर टू अगर बॉरोअर के पीछे दूसरा कोई को बॉरोअर अगर है कि नहीं उनका, नंबर थ्री उसके पास कैश फ्लो कितना है और कितना उसका सरप्लस है, ईएमआई एनएमआई रेशियो जो जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये रेशियो अगर कितने अच्छे है अगर मार्जिन उसमें ज़्यादा है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया देखने के बाद हम लोग कोई फिक्स नहीं किया है कि अगर सिविल स्कोर ही एक क्राइटेरिया हो जिसके चलते हम लोग लोन में कंसेशन देंगे। सर इस बार हमने देखा है कि डिजिटल पे भी जो है बैंकों का काफी फोकस है, तो वहां पे किस तरह के आपने इनिशिएटिव लिए हैं और आपका जो फेस्टिव कार्निवल है पूरी तरह से, तो इसमें होम लोन ऑटो लोन इसके अलावा भी कहीं और फोकस है फेस्टिव में? तो एक तो पहले मैं बोल रहा हूँ फेस्टिव कार्निवल में नंबर वन इज रिटेल में तो ये ऑटो लोन और होम लोन पर ही फोकस है, पर इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके लिए हम लोग क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो मनी गुरु में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस।